दोस्तों आज के इस वीडियो में फाइट फॉर ह्यूमैनिटी न्यू इवेंट जो आया है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो है। अगर आप ब्लू टीम से हैं या फिर पिंक, तो दोनों टीम को मैं बोल रहा हूँ आप दोनों टीम इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिलने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। शायद आपको कम वीडियो यूट्यूब में मिलेगा इस तरह का, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप ब्लू टीम से हैं तो पिंक टीम को कैसे कैसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, या फिर अगर आप पिंक टीम है तो ब्लू टीम को क्या मिलने वाला है, उसका सारा डिटेल आप जान जाएगा, मतलब दोनों टीम के बारे में है, ठीक है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइट फॉर ह्यूमैनिटी चलते हैं। दोस्तों मैं अभी पिंक टीम से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो और ब्लू टीम से भी करूँगा। मेरा दो आईडी है, मैं दोनों से आपको कंपेयर करके दिखाऊँ। इस वीडियो में आपको कंपेयर मिलेगा कौन टीम को क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी पिंक टीम से कर रहा हूँ, अगर आप पिंक टीम है तो ब्लू टीम के लिए थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। मैं दोनों टीम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पिंक टीम से है तो ये कैरेक्टर आपको मिलेगा, रशियन कैरेक्टर। तो दोस्तों चलिए व्यू मैप में देखते हैं क्या मिशन है। तो दोस्तों व्यू मैप में आप जैसे क्लिक करेंगे आपको टोटल 15 मैप दिखाई देगा, ठीक है। तो 15 मैप में आपको हर दिन अलग अलग मिशन देगा। यहाँ पर देख सकते हैं किल एनिमीज विथ एनी FR-556। तो दोस्तों आपको इस मिशन में, फर्स्ट वाला मिशन जो है, इसमें FR-556 से आपको सिर्फ किल करना होगा। कोई भी मल्टीप्लेयर प्ले कीजिए या फिर बैटल रॉयल, लेकिन ये आपको FR-556 से ही किल करना होगा। अगर आप और दोस्तों लास्ट जब इवेंट ख़त्म हो जाएगा तब ये टीवी मिल जाएगा जो टीम विनर हो जाएगा, ठीक है, लास्ट डेट। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं ब्लू टीम के लिए, और भी दोस्तों कंपेयर करके दिखाऊंगा, ये मात्र शुरुआत किया मैंने, ठीक है। तो मैंने पिंक टीम का कुछ मिशन दिखा दिया, अब चलिए ब्लू टीम में देखते हैं और दोनों को एक साथ कंपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नाइट्स डिवाइडेड इवेंट में भी कुछ इस तरह का ही अपलोड किया था, बहुत लोगों का वीडियो पसंद आया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर ब्लू टीम से है तो इस तरह का रशियन कैरेक्टर मिलेगा, और व्यू मैप में भी बिल्कुल वही मिशन है, यानी आप मान सकते हैं बिल्कुल सेम ही चीज़ है, सिर्फ आपको कैरेक्टर का रंग चेंज रहेगा, ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम समय, दोनों टीम को एक ही मिशन देगा, ठीक है। और दोस्तों FR-556 है, इसमें भी दिया हुआ, तो चलिए थोड़ा छोटा गेम प्ले करके दिखाता हूँ कि काउट होता है या नहीं। तो दोस्तों आप इसी तरह मिशन चेक करके ही गेम प्ले कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं FR-556 से किल कर रहा हूँ, इसी तरह डेली आप मिशन चेक कीजिएगा व्यू मैप में जाकर, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले और आप टॉप 5% में चले जाए, तब आपको कॉलिंग कार्ड भी मिलेगा लेजेंडरी वाला, ठीक है। तो मैं वीडियो को बहुत कट कर रहा हूँ ताकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, तो मैं वीडियो को कट कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं काउंट होता है या नहीं, ठीक है, इसी तरह आप भी ट्राई कीजिएगा और गेम प्ले कीजिएगा। तो उस तरह से कंप्लीट हो गया, मैंने ज़्यादा गेम प्ले नहीं किया, आप जितना किल करेंगे उतना ये फास्टली आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं लीडर बोर्ड में, इसमें हम दोनों यानी ब्लू टीम और पिंक टीम दोनों टीम को क्या मिलने वाला है। लीडर बोर्ड के आई बटन जो ऊपर में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसमें आप क्लिक कीजिएगा आई बटन में, ठीक है। आई बटन में क्लिक करने तो आपको सारा चीज़ डिटेल में बता देगा कि आपको दोस्तों ये जितना भी रिवॉर्ड देख रहे हैं ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा, ये जब सीजन ये इवेंट जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वाले दिन मेल बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे दोस्तों देख सकते 30% में आपको एक 117 ICR मिल जाएगा, और 10% में आपको ये स्नाइपर मिल जाएगा, और 5% में आपको एको मिल जाएगा, ठीक है, दोनों टीम के लिए दोस्तों, ये दोनों टीम के लिए। और 5% जब लास्ट डेट हो जाएगा तब आपको ये कॉलिंग कार्ड लेजेंडरी वाला मिल जाएगा, और सभी गन सब एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेली मिशन कंप्लीट करना होगा और डेली बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, ठीक है। तो कंपेयर में चलते हैं, ठीक है। तो दोनों टीम को देखिए पिस्टल मिलने वाला है, पिंक कलर का जो पिंक टीम जो है ऊपर वाला है, ब्लू टीम नीचे वाला, ठीक है। तो दोनों पिस्टल ही अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन ब्लू टीम कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ASM-10, इसमें पिंक टीम ऊपर वाले और ब्लू टीम देख सकते हैं, दोनों ही कम अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है HBR-3 गन, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, दोनों ही अपने जगह पे अच्छा है, ठीक है। तो मैं दोनों टीम से हूँ, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों मैं दोनों टीम लिया हूँ, मैं अलग अलग ID से, और चार में भी देख सकते हैं अच्छा है, और देख सकते हैं ये जो पैराशूट से जब जम करता है दोस्तों, कैरेक्टर भी अच्छा ही है, दोनों का अच्छा है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये ब्लू टीम का कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी के फिलहाल में, लेकिन दोनों टीम ही अच्छा लग रहा है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का कैरेक्टर रशियन ही है, तो दोनों ही अच्छा लग रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है फ्रेम, ये दोनों ही अच्छा लग रहा है, पिंक टीम का जितना अच्छा लग रहा है उससे ही जैसा ही ब्लू टीम भी, दोनों एकदम सेम लग रहा है, खाली एनिमेशन अलग है, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं कॉर्डाइट में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोनों फ्रेम जो है ये थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो कॉर्डाइट जो SMG गन है, पिंक टीम वाले को वाइट कलर का मिलेगा, और सॉरी पिंक को ब्लैक और ब्लू को वाइट कलर का। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर मैंने देखा दिया। ठीक है, और दोनों टीम से मैं हूँ। ठीक है, मैं दोनों टीम लिया हूँ अलग अलग ID से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे से फुल डिटेल वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।